और वो कहता आप तो क्या, हजारों साल से यहां कोई भी व्यक्ति बिना पत्नी के मंदिर में गया नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कभी हो तो सोचूंगा। तो मैं वापस चला आया। ये बात को मैकॉले बोल रहा है वहां कि भारतवासी बोलते हैं कि मोक्ष स्त्री के साथ ही होता है, और हमारे सभी ऋषि मुनि गृहस्थ थे, सदगृहस्थ थे, ब्रह्मचारी नहीं थे। मैंने जितने ऋषि मुनियों को आज तक पढ़ा है, सबको तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितने को पढ़ा है सब गृहस्थ थे। इसलिए गृहस्थ आश्रम कोई ऊंची चीज है हमारे यहां। तो ये वो बोलता है कि जब ऊंची चीज आपके पास है तो उससे और ऊंची प्राप्त करने की ताकत है, जो ऊंची नहीं है तो ज्यादा ऊंची तो मिलेगी नहीं। तो भारत में तो स्त्री का ये हैसियत है कि वो अगर नहीं है तो परिवार नहीं है, समाज नहीं है, संस्कार नहीं है, भाषा नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए भारत में स्त्रियां तो बहुत ऊंची है।